जो बन जाती है जल्दी जल्दी। चलो बनाते हैं सभी की फेवरेट मैगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बनाएंगे बिल्कुल होटल जैसा वेज मसाला मैगी, वो भी बिना ऑयल के। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। फुल रेसिपी देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति और कीर्ति के ट्विस्ट किचन में आप सभी का स्वागत है। चलिए फिर ये मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई। ये मैंने लोहे का कढ़ाई लिया है। उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच घी, आधा चम्मच जीरा का तड़का लगा देंगे और फिर डालेंगे एक मीडियम साइज के बारीक कटे हुए आलू। आलू को थोड़ा सा भून लेना है। फिर हम डाल देंगे एक मीडियम साइज का बारीक कटा शिमला मिर्च, जिसे मैंने पतला पतला लंबा लंबा काटा है। शिमला मिर्च को थोड़ा सा भूनने के बाद हम दो बारीक कटे हुए टमाटर भी इसमें ऐड करके इसे भी बढ़िया सा भून लेंगे। अब हम मसाले ऐड कर लेते हैं। मसालों में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसे बढ़िया सा मिला देंगे और फिर कढ़ाई का ढक्कन लगा देंगे। थोड़ी देर बाद ही हम इसे खोलकर देखेंगे। आप देख रहे हैं पानी में बढ़िया सा उबाल आ रहा है। अब हम इसमें मैगी मसाला ऐड करके इसे भी मिला देंगे और फिर डाल देंगे मैगी। मैगी डालने के बाद हम इसे चलाएंगे नहीं, बस ऐसे ही कढ़ाई का ढक्कन लगा देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। थोड़ी देर बाद हम कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे। आप देख रहे हैं मैगी बढ़िया सा एक दूसरे से मिल गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से बहुत ही बारीक कटे हुए पनीर और तीन हरी मिर्च। 2 से 3 मिनट इसे हम ढक के और पका लेंगे। थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे कि हमारा बहुत ही मज़ेदार लाजवाब वेज मसाला मैगी बन के तैयार हो गया, बिना ऑयल के, एकदम ढाबे जैसे, सिर्फ आधे चम्मच घी में। बहुत ही मज़ेदार हमारा मसाला मैगी बनके तैयार हो गया। अगर आप घी यूज नहीं करना चाहते हैं तो उसकी जगह बटर यूज कर ले। ये रेसिपी बहुत ही फटाफट से बनके तैयार हो जाती है। आप इस तरीके से इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और इंजॉय करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये मजेदार रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।